ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेडिकल में पूछा गया अ बॉडी मूव अ डिस्टेंस ऑफ टेन मीटर अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ ए फाइव न्यूटन फोर्स जो गिवेन है हम लिख रहे हैं फोर्स कितना दिया फाइव न्यूटन लिख दिया हमने फो एफ टू फाइव न्यूटन नेक्स्ट क्या करा है इफ द वर्क डन इज ट्वेंटी फाइव जूल वर्क गिवन है तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे वर्क डन इज टू डब्ल्यू टू ट्वेंटी जूल ओके लिख दिया ट्वेंटी फाइव जूल देन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन काफी आसान है एंगल फाइंड कर रहा है सपोज कर लो सपोज कर लो ये एम मास का एक ब्लॉक है और इस पर इस तरह फोर्स ला, फोर्स है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है टोटल वर्क डन है इस पर कितना हो रहा है 25 फाइव जी ओके मूव कर रहा है इधर तो दोनों के बीच का एंगल हमें पूछा है ठीटा इसकल टू वाट तो काफी आसान तरीके से बन जाएगा वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स डॉट डिसप्लेसमेंट ध्यान देना फोर्स डॉट हमने लिखा डिसप्लेसमेंट इसको अच्छे से लिख लें एफ डॉट एस अब इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या वर्क वर्डन इज्कल टू एफ एस कॉस थीटा ओके अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है इसका हाँ डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये कितना दिया और टेन मीटर गिवन है इसका वैल्यू गिवन है ओके तो वर्क डन इसल टू तो क्या है ट्वेंटी फाइव जो फोर्स क्या है आपका फाइव डिस्प्लेसमेंट कितना आपका टेन मीटर है और कॉस्ट हीटा यहाँ से दोनों क्या होगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टी इज्कल टू कॉस्ट हीटा और हम लिख सकते हैं कॉस्ट हीटा इजकल टू वन बाई टू और आगे अगर इसे हम सॉल्व करें तो ठीटा एस्कल टू क्या होगा आपका कॉस इनवर्स हाफ या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हाफ का वो होता है थीटा का वैल्यू हाफ का व होता है तो 60 डिग्री पे आपका क्या होता है हाफ होता है 60 डिग्री पे यहाँ से भी हम लिख सकते हैं ठीटा एस्कल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सिक्सटी डिग्री या इस तरह इस तरह भी हम लिख सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए के हमारा करेक्ट ऑप्शन है